गाइज़, मेरा नाम हरीश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पास मिनी स्टोरीज पर। हरीश, तो गाइज आज आपके लिए लाए हैं दुबई के न्यू ट्रैवल प्रोटोकॉल की न्यूज़। तो आपको बनना वीडियो में एंड तक, बिना किस टाइम को वेस्ट किया हम टेक ऑफ करते हैं। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। उम्मीद है आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, सेफ होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले दुबई के नए ट्रैवल प्रोटोकॉल्स, ट्रैवल रूल्स आए हैं। क्या PCR टेस्ट, मतलब कोरोना टेस्ट, अब रिक्वायर्ड है या नहीं है, किन किन के लिए है, किन किन के लिए नहीं है, या सबके लिए है, इस सारे कन्फ्यूजन को मैं आज आपके लिए इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। तो आपको बनना वीडियो में एंड तक पूरी इन्फॉर्मेशन को ध्यान सुनना है। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ कि ये इन्फॉर्मेशन 2 अक्टूबर 2020 को आई है। ये इन्फॉर्मेशन एकदम ऑथेंटिकेट है। प्रूफ के लिए मैं आपके सामने ट्विटर का स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। गाइस, मैं ये बात इसलिए करता हूँ क्योंकि कई लोग कमेंट करके बोलते हैं, जैसे आज ये वीडियो रिलीज़ हो रहा है और लोग देखेंगे इस वीडियो को हफ्ते भर बाद में, और हफ्ते भर बाद हो सकता है कि ये रूल चेंज हो गया हो। उसके बाद वो कहेंगे कि सर ये रूल तो चेंज हो गया, कि भाई तू गलत वीडियो बना रहा है। तो गाइस, मैं बता दूँ, आज है 3 अक्टूबर और ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, ये रूल्स हैं एज पर 2 अक्टूबर। ये रूल आज चेंज हो जाए या कल चेंज हो जाए या महीने भर ना हो, इसका मैं कुछ नहीं सकता। तो इस सिलसिले को ये ख़त्म करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनना है। संशोधित प्रोटोकॉल के अनुसार विदेश से दुबई लौट रहे एमिरेटीज को प्रस्थान से पहले PCR परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वे जिस भी देश से आ रहे हैं वहाँ बिताए गए समय की परवाह किए बिना उन्हें केवल दुबई आगमन पर PCR परीक्षण की आवश्यकता होगी। बस ये आर्टिकल मैंने पढ़ा है गल्फ न्यूज़ की वेबसाइट पे। तो जो नंबर वन सोर्स है वो है गल्फ न्यूज़, और जो सेकंड सोर्स है वो ट्विटर है। ट्विटर का स्क्रीनशॉट मैं शेयर करूंगा आपके साथ में, और दोनों ही मेरे हिसाब से जेन्युइन एक सोर्स रहेंगे इस इन्फॉर्मेशन के लिए। तो यही कन्फ्यूजन कई लोगों के माइंड में था कि अगर हमारे पास दुबई की सिटीजनशिप है, अगर हमारे पास एमिरेट्स ID है और हम किसी कंट्री से दुबई में आ रहे हैं, तो क्या हमें डिपार्चर पे भी PCR टेस्ट कराना पड़ेगा या नहीं, बात का आंसर आपको यहाँ मिल गया। तो गाइस, ये जो न्यूज़ थी एमिरेटीज के लिए जिनके पास एमिरेट्स आईडी है। सेकंड है जो गाइस रेसिडेंट एंड टूरिस्ट, इनके लिए कहते हैं अब PCR टेस्ट प्रायर टू डिपार्चर इज मैंडेटरी, मतलब निकलने से पहले PCR टेस्ट इन लोगों के लिए मैंडेटरी है। थर्ड कैटेगरी है गाइस ट्रांजिट पैसेंजर, जो लोग ट्रांजिट करके दुबई से किसी और कंट्री में जा रहे हैं। लाइक लास्ट टू लास्ट वीडियो अगर हम बात करें, 3 या 4 वीडियो पहले मैंने दुबई वीज़ा फ्री ट्रांजिट के ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने यही इन्फॉर्मेशन दी थी। तो यहाँ ये नया प्रोटोकॉल ही कहता है प्री ट्रैवल PCR टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर ट्रांजिट पैसेंजर्स फ्रॉम सम कंट्रीज व्हेन द डेस्टिनेशन कंट्री रिक्वायर्ड देम टू डू सो। मतलब प्री ट्रैवल टेस्ट जो है मैंडेटरी है ट्रांजिट पैसेंजर के लिए, जिस कंट्री में वो जा रहे हैं अगर वहाँ वो नेगेटिव सर्टिफिकेट मांगते हैं तो। तो वैसे शर्त है इसमें कि अगर सामने वाली कंट्री PCR टेस्ट नेगेटिव मांगती है तो आपको दुबई में ट्रांजिट करते वक्त एक कोरोना टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी लास्ट 2 कैटेगरीज में, वो तो थी रेसिडेंट एंड टूरिस्ट के लिए, और जो थर्ड कैटेगरी थी वो थी जो वीज़ा, मतलब जो ट्रांजिट दे रहे हैं दुबई से। तो गाइस, यहाँ जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो थी एमिरेटीज़ के लिए। तो गाइस, ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, कुछ छोटा सा न्यू प्रोटोकॉल जो है दुबई की गवर्नमेंट ने निकाला है वो मैंने आपको बताया, और इसका मैंने आपको ट्विटर स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया है। आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। समराइज़ करें तो मेनली यहाँ एमिरेटीज़ के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, अगर वो किसी भी कंट्री से आ रहे हैं तो डिपार्चर पे कोरोना टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, जो रेसिडेंट एंड टूरिस्ट है उनको डिपार्चर से पहले, दुबई आने से पहले अपने कंट्री में कोरोना टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ेगी। और थर्ड जो है ट्रांजिट वाले लोग, वो पता करें कि जिस कंट्री में वो जा रहे हैं वहाँ वो लोग क्या मांग रहे हैं कोरोना टेस्ट नेगेटिव सर्टिफिकेट, तो आपको ट्रांजिट के बाद भी वो दिखाना रहेगा, तो आपको वो करा लेना है। तो गाइस, ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो गाइस, आपको बनना है चैनल पर और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल, क्योंकि हमें मिलता है मोटिवेशन और आपको मिलते हैं रियल टाइम नोटिफिकेशन। मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।